हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ आज वैस्कुलर डिमेंशिया के बारे में। वैस्कुलर डिमेंशिया इसका मतलब है कि दिमाग में खून न पहुँचने की वजह से भ्रमिष्ठपना होना, भ्रमिष्ठ हो जाना, भ्रम निर्माण होना। होता क्या है कि 60 साल के बाद में यदि कोई ऑपरेशन व्यक्ति का होता है, अभी आजकल तो ऐसा हो रहा है कि नी ज्वाइंट, घुटने जो है, तो घुटनों का ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में हो रहा है, या कोई भी ऑपरेशन होता है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है, या कोई भी ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के बाद में जो स्टेज रहती है कुछ दिन, तो उसमें हो सकता है कि एक तो उम्र के हिसाब से बोलो, ऑपरेशन के बाद में कोई दवाई खाते हैं एलोपैथ, मतलब उसकी एलोपैथी की, तो उसकी वजह से बोलो, या फिर और कोई कारण, एनेस्थेसिया दिया गया था उसमें बोलो, ब्रेन को खून का दौरा जो है वो कम पहुंचता है, खून कम पहुंचता है या ऑक्सीजन कम पहुंचता है, तो फिर भेजा जितना चाहिए उतना काम करता नहीं है और वो काम करना बीच बीच में छोड़ देता है। तो ऐसे जो व्यक्ति है जिनको ऑपरेशन के बाद में या कोई बीमारी हो जाती, बुखार आ जाता है उसके बाद में, या कोई लूज मोशंस होते, ज़्यादा टॉयलेट लगती है उसके बाद में, कुछ तो भी बीमारी हो जाती है और वो बीमारी के बाद में उनको भ्रम होना शुरू हो जाता है, और वो भ्रम में फिर उनको मालूम नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, आजू बाजू में कौन है, लोगों को पहचानते नहीं है घर के, आज का वार कौन सा है, तारीख कौन सी है, सुबह क्या खाया क्या पिया, बाथरूम कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, मतलब उनको ऐसा एक एक्यूट होता है वो ऑपरेशन के बाद में, और उनको समझता नहीं कि क्या है। तो फिर कभी कभी वो बीच में हो सकता है कि 1-2 घंटे ठीक भी हो जाते हैं थोड़े से, मगर जैसा जैसा दिन आगे बढ़ता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो वो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ने लगती है। उनको कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी जो है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कमांड, ज़्यादा कठिन ऐसी उनको ऐसे आदेश दिए गए, तो वो आदेश वो मानते नहीं, उनको समझते नहीं है, जैसा उनको हिसाब करने लगा है तो वो कर नहीं सकेंगे, या उनको कोई ऐसी कठिन कोई एक्टिविटी करने लगा है तो वो कर नहीं सकेंगे, या कोई बैंक में जाके कोई पैसे निकालना डालना, मतलब वो नहीं कर सकेंगे, और भुलक्कड़पन आता है, भूल जाते हैं, सुबह क्या खाया पिया, मतलब सब सवेरे का ज़्यादा भूल जाए, इनको इनको एक खासियत ये है कि पुराना उनको अच्छा याद आता है, मगर सुबह जो खाया पिया वो याद नहीं रहता, या कल क्या, कौन मिला, कौन आया, कौन गया, ख्याल नहीं रहता। तो एक तो ये बीमारी उम्र के हिसाब से हो सकता है कि बढ़ते जाएंगी और उसका वो ज़्यादा बड़ा रूप लेंगी, या फिर दवाई करके खान पान अच्छा करके हो सकता है कि कंप्लीट रिकवरी, पूरा अच्छा व्यक्ति वो हो सकता है, मगर इस समय यदि उसको अल्जाइमर का डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिमेंशिया करके जो बीमारी है, अल्जाइमर नाम के व्यक्ति ने ये भ्रम की बीमारी ढूंढ के निकाली थी और उसके नाम से ही जाना जाता है, तो जो अल्जाइमर डिजीज है वो यदि उसके साथ में आ गया, तो फिर तो आदमी ठीक होना बहुत ही कठिन है, वो होता नहीं ठीक जल्दी, फिर उसके लिए फिर अल्जाइमर डिजीज के लिए फिर बीमारी, मतलब वो जो बीमारी है उसके लिए फिर दवा वगैरह अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। हमने जो अभी नया हॉस्पिटल चालू किया, वो हॉस्पिटल में हम अभी जो सीनियर सिटीजन जो है, वृद्ध लोग जिनको ये डिमेंशिया, भ्रम की बीमारी, अल्जाइमर डिमेंशिया हुआ है, उनको हम रखते हैं, उनकी हम पूरी केयर लेते हैं। होता क्या है कि आजकल के फास्ट ज़माने में जो सीनियर सिटीज़न है, वृद्ध व्यक्ति जो है, बूढ़े लोग, उनको घर में रखना, उनकी केयर लेना लोगों के लिए संभव नहीं है, स्पेशली पति पत्नी यदि काम पे जाते हैं, दोनों वर्किंग है, बच्चे घर में है, घर छोटा है, तो घर में रखना उनको मुश्किल हो जाता है, और उसमें उनको भ्रमिष्ठपना है, याद नहीं रह रहा है, भुलक्कड़पना हो रहा है, फिर कभी पेशाब कपड़े में कर देते हैं, कभी टॉयलेट कपड़े में कर देंगे, तो ऐसे इसमें उनको मेडिकल केयर लेना साथ साथ ज़रूरी है। तो हमने भी एक हॉस्पिटल खोला है, उसमें सब ये व्यवस्था है, वहाँ वो रुक सकते हैं, उनको अच्छा हम करते हैं, उनकी केयर लेते हैं, अच्छा होने के बाद में उनको घर वापस भेजते हैं, और कुछ बीमारियाँ इसमें ऐसी होती है अल्जाइमर डिमेंशिया की, अच्छी होती नहीं है, उनको हम जिंदगी भर के लिए उनकी हम केयर लेते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग आपके परिचित होंगे, आपके दोस्तों में होंगे, दोस्तों के माँ बाप होंगे, कि जिनको ऐसी केयर लेने की ज़रूरत है, तो
उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो। ये हमारे अकोला के हॉस्पिटल में, हमने अभी जो नया हॉस्पिटल खोला है उसमें ये व्यवस्था स्पेशली की हुई है और वहाँ लोगों को रख सकते हैं। तो जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और स्पेशली वृद्ध लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, उनको जो डिमेंशिया होता है उसको बोलते हैं वैस्क्यूलर डिमेंशिया, मतलब वेसल्स जो है उसका अंदरून जो भाग है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है उसकी वजह से, या कोई बीमारी की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा नहीं होता दिमाग में, उसकी वजह से दिमाग काम नहीं करता, भ्रम होता है। तो उनको अच्छा करने तक हम यहाँ, हमारे यहाँ रखते हैं। अब उनको ज़रूर भेजिएगा, उनको ज़रूर शेयर करो ताकि वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।